हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर त्रिकुमार श्रीवास्तव, MBBS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज मैं 6 मिनट की एक शॉर्ट क्लिपिंग अपलोड करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी। आप इस मेमोरी को अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए या ऑल इंडिया PG की तैयारी के लिए कैसे यूज कर सकते हो, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्लिपिंग देखने से अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो ऑल इंडिया PG में, तो मुझे लगेगा ये कंटेंट बनाना सफल रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शॉर्ट क्लिपिंग पसंद आएगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। इस शॉर्ट क्लिपिंग में आपको बताते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है और आपको उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो तारा नाम की एक लड़की थी और वो ऐसी जगह पर थी जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, तो उसको कॉमन कोल्ड हो गया था और वो MG हेक्टर, उसके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी से वो अपने घर आ गई। तो जो ये फोटोग्राफिक निमोनिक्स होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे अक्सर वो पूछते हैं मुझसे कि आप ये कैसे फ्रेम कर लेते हो फोटोग्राफिक निमोनिक्स। तो ये आंसर मैंने पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स को बताया है क्लास में, फिर से आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो इमेज होती है ना, हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोग्राफिक मेमोरी, हमें हमेशा उसका यूज़ करना चाहिए। मीन्स हमें जो दिखाई पड़ता है हमें वो ज़्यादा याद रहता है। तो हमेशा आपको पहले तो सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद आपको कैसे याद करना है, तो पिक्टोरियल निमोनिक, फोटोग्राफी निमोनिक इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, पहला आंसर ये। दूसरा, कैसे आपको करना है। अब आप ये इमेज देखो, सोचो, जैसे आप ये इमेज देखोगे आपको मूवी का नाम याद आ जाएगा, आगे आपको नाम मूवी का। इसका मतलब ये है, ये जो मूवी थी आपको पता था ये आमिर खान है, उसने ये रोल किया था, और क्योंकि आपके दिमाग में कौन सी मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी। जबकि इस मूवी को आए 10 साल हो चुके हैं, शायद मैं तब MBBS में था या फाइनल ईयर में था, 10 साल हो चुके हैं इसको। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बंदे को क्या हुआ था, क्या हुआ था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का केस था, उसको दिखाया गया है। तो यही आपके साथ है कि आपको बार बार चीजों को याद करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी रखोगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए रिवाइज एंड रिवाइज। तो आपका बेसिक फंडा क्या है, आपका बेसिक फंडा ये होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टडी हार्ड, कोई भी शॉर्टकट नहीं है तरीका, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सारे काम करो लेकिन पढ़ाई करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेक ए प्रॉपर नोट्स। अक्सर बच्चे मुझसे बोलते थे कि सर आप अपनी PPT दे दो, मैंने कभी नहीं दी। मैं दे सकता था, मैंने कभी नहीं दी। उसका रीजन क्यों, क्योंकि आप PPT लोगे, उसके उसका आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, जीरोक्स निकलवाओगे, और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, नो जीरोक्स, नो फोटोकॉपी। हमारे और आप सबको पता है कि लड़कियाँ अच्छी नोट्स बनाती हैं, अच्छी राइटिंग होती हैं, तो लड़के अक्सर क्या करते हैं, उनसे नोट्स की फोटोकॉपी करा लेते हैं, बंडल पर बंडल तैयार हैं, कोई नहीं पढ़ता है। मेरे UG के हॉस्टल में पता नहीं कितने फोटोकॉपी नोट्स रखे थे, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। तो आप दूसरे के बनाए हुए नोट्स पढ़ ही नहीं सकते हो, आप देखो। और मैंने तभी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो, ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, कोई जेरोक्स नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं, रिवीजन एंड रिवीजन रिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल क्या है, मेरा गोल भी यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो उसकी डेप्थ में जाओ, पेक्टोरियल निमोनिक्स हो, अदर निमोनिक्स हो, फ्लो चार्ट्स, और भी आपको कोई इनोवेटिव आइडिया आता हो वो भी आप यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप सब कुछ पढ़ लो लेकिन आपको अंत में ये पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रैक द नेट PG एग्जाम एंड सेकेंड ईयर MBBS प्रोफेशनल एग्जाम। सपोज करो आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप सेकेंड ईयर पास नहीं पाए, पढ़ना बेकार है आपका, आपने नेट PG सब कुछ पढ़ा, नहीं क्वेश्चन आए, नहीं नहीं सेलेक्ट हुए, सब कुछ बेकार।
चाहे आपने जितना हार्ड वर्क किया हो, क्योंकि उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि कॉमन चीज पढ़ोगे आप तो मोस्ट कॉमनली आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आप रेयर चीज पढ़ोगे तो रेयरली सिलेक्ट हो गए। आपको 300 में 300 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आप 270 260 तक भी अटेम्प्ट करोगे तब भी आपका हो जाएगा। ये फालतू की बात नहीं कि 300 में 300 करने हैं, तो रेयर चीज पढ़ोगे रेयरली सिलेक्ट होगे, मोस्ट कॉमन चीज पढ़ो मोस्ट कॉमनली सिलेक्ट हो जाओगे अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं आपको कि कोई भी बंदा मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने सर ये कहा हो सर मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर हूं एग्जाम के लिए, मेरा पेपर ले लो कल। ऐसा होता ही नहीं है, सबके साथ कॉमन है, जिस स्टेज से मैं आया हूं उस स्टेज से आप जाओगे, ये एक प्रोसेस है। तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे चाहे आप प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे हो चाहे आप नेट पीजी का एग्जाम दे रहे हो, तो 3 घंटे अपने नर्व पर कंट्रोल रखो चाहे ही और सी हो और मोस्ट कॉमन सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको टफ है, आप नहीं पढ़ समझ पा रहे हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप बताओ मैं उस टॉपिक को तैयार करता हूँ। ठीक है, देन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई थी कि ये निमोनिक है। अब आपको आपको ये निमोनिक याद है कि एक तारा लड़की थी, उसको कॉमन कोड हो रखा था और उसके पास वहां पर गाड़ी तो थी नहीं एम्बुलेंस, तो एमजी हेक्टर से अपनी गाड़ी से वो घर चली गई या हॉस्पिटल। अब आपको कैसे याद रखना, तारा मीन्स तारा तेरा टेट्रा टेट्रा जोलियम डिटेक्शन टेस्ट, बाद में डिस्कस करेंगे जब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाएंगे। कॉमन मीन्स कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कोल्ड कौन सा कोल्ड, कोल्ड एग्रीटेशन टेस्ट, और कोई टेस्ट ही नहीं होता कोल्ड के अलावा, तो कोल्ड एग्रीटेशन टेस्ट अपने आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा टेस्ट है, एम जी हेक्टर, मतलब एम जी मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस एम जी एग्रीटेशन टेस्ट। तो आपसे पूछे जाते हैं कौन सा टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो माइकोप्लाज्मा के लिए करते हैं।